गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग आपका 10th क्लास का चैप्टर बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 21 है ये आपका। इसका क्या नाम है? कारतूस। ठीक है, ये आपका एक ड्रामा है ना, ड्रामा है ये। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है ड्रामे के किरदार। ठीक है, तो ये एक ड्रामा है और ये भी अदब की एक सिंफ होती है। इससे पहले हो सकता है आप लोग ने इसके बारे में ना पढ़ा हो, शायद ये आज आप पहली बार ही पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, है ना। तो पहले हम लोग ये जान लेंगे कि ये ड्रामा लिखा किसने है, यानी इसके ड्रामा निगार कौन है। ठीक है, और इसके लास्ट जो चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 22, वो आपका अपलोड किया हुआ है, कदम बढ़ाओ दोस्तों है आई थिंक वो, तो आप लोग उसे देख लेंगे। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसके ड्रामा निगार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके ड्रामा निगार कौन है? हबीब तनवीर है। ठीक है, कौन है? हबीब तनवीर। कब पैदा हुए? 1923 में पैदा हुए और इनकी वफ़ात कब हुई है? 2009 में। तो चलिए हबीब तनवीर के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? हबीब तनवीर का असली नाम हबीब अहमद ख़ान और तनवीर तखल्लुस है। ठीक है, यानी कलमी नेम। जब कोई शायर होता है या कोई अदीब होता है तो वो अपने असल नाम के साथ साथ अपना एक कलमी नाम भी रख लेता है ना, जो वो अपने लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, अदबी और सकाफती दुनिया में वो हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अगर हम अदबी दुनिया की बात करें यानी उर्दू अदब की बात करें तो उन्हें आज भी लोग यही समझते हैं कि उनका असल नाम क्या है? हबीब तनवीर है ना, जबकि उनका असल नाम कुछ और है। ये उनका कलमी नाम है जो उनके अदबी दुनिया में जिससे वो फेमस हुए। ठीक है, नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। ठीक है, तो पहले ज़माने के ज़्यादातर अदीबों के साथ यही हुआ है कि भाई वो बीए कर लेते थे और उसके बाद रेडियो में वगैरह में मुलाजिम हो जाते थे। इब्तिदा में उन्होंने फिल्मी गीत और मकालमे लिखे, फिर कत्सिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। अच्छा, ये ड्रामों का एक थिएटर, पहले ज़माने में मूवीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती थी तो नुक्कड़ नाटक और ये ड्रामे, अलग अलग स्टेज प्ले, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, है ना, तो उसको थिएटर कहा जाता था। फिर क्या लिखते हैं? लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। ठीक है, फिर उन्होंने लंदन और जर्मनी में जाकर ड्रामे की जो तकनीक होती है, ड्रामा कैसा लिखा जाना चाहिए, किस तरह के उसके किरदार होने चाहिए, किस तरह से उसका प्लॉट होना चाहिए, क्या कैसे हम उसके मकालमे लिखें, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने महारत हासिल की। आगे लिखते हैं, उन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत से मशरक़ी और मग़रबी मुल्कों में स्टेज किया गया। स्टेज किया गया यानी कि उन्हें प्ले भी किया गया, उनको हीरो हीरोइन ने मतलब जैसे आप लोग स्टेज प्ले करते हैं ना ड्रामों में कि उसके कैरेक्टर्स बन जाते हैं और फिर सामने आके प्ले करते हैं, तो इस तरह से वो प्ले किए गए। उनमें से 7 यानी कि अभी यहाँ पे लिखा है कुछ ड्रामों के नाम लिखे, उनमें से 7 पैसे एक ड्रामा हो गया, चरणदास चोर दूसरा ड्रामा हो गया। इसके बाद लिखा है हरमा की कहानी, आगरा बाजार। ठीक है, आगे यहाँ देखिए लिखा है शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी, और उसके बाद और क्या लिखा है? मेरे बाद बहुत मशहूर हुए, यानी कि ये ड्रामे उन्होंने बहुत लिखे हैं लेकिन उनमें से कोई ये ड्रामे कुछ ज़्यादा मशहूर हुए हैं ना। आगरा बाज़ार तो इनका बहुत अच्छा है। आगे लिखते हैं उनके उनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। ठीक है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं पिछड़ा हुआ इलाका है ना, तो वहाँ के छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार थे उनको कौमी सतह पर रोशनास कराया, यानी अपने ड्रामों में उन्हें लिया। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हबीब तनवीर को कौमी और बैन अल-कौमी सतह के कई एजाजात से नवाजा गया। हुकूमत फ्रांस ने उनको अपनी सवाल हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक वो इसे कलमबद करने में मसरूफ़ थे। ठीक है, यानी कि आखिरी अयाम यानी लास्ट डे है ना, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जो होते हैं उसमें भी वो उसे कलमबंद कर रहे थे, यानी कि लिख रहे थे। ठीक है, अपनी सवाल हयात लिख रहे थे। इसके बाद लिखते हैं मसरूफ़ रहना यानी बिज़ी रहना। लिखते हैं हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में उनके ड्रामे तर्जुमा हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हबीब तनवीर कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उनको इनाम मिले।
ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इनका जो यहाँ ड्रामा दिया गया है कौन सा, कारतूस, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग अपना ड्रामा पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे ड्रामे का क्या नाम है, कारतूस। ये देखिए ड्रामे के किरदार हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से लोग हैं। तो देखिए इसमें टोटल चार लोग ही आएंगे। सबसे पहले कर्नल है, फिर लेफ्टिनेंट है, इसके बाद सिपाही और सवार। ठीक है, ये सवार कौन है ये आपको बाद में पता चलेगा। अब देखिए यहाँ ज़माना लिखा हुआ है 1799, है ना, ये 1799। वक्त कब का है, रात का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ड्रामा कैसे होता है। तो आपको पता है ड्रामा कहते हैं स्टेज प्ले को, है ना, स्टेज के ऊपर उसे प्ले करा जाता है। यहाँ देखिए इस तरफ आपके सारे किरदार होंगे, यहाँ उनका डायलॉग्स होंगे। अगर आप लोग बनना चाहें तो इसे आप लोग अपने क्लासरूम में भी करके देख सकते हैं ना। जी हाँ, जगह भी बता दिया गया है, गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कौजल के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, यानी कि कर्नल के खेमे के अंदर का हिस्सा दिखाया जा रहा है। दो अंग्रेज़ बैठे बातें कर रहे हैं, एक कौन है, एक कर्नल कौजल है और दूसरे आपके लेफ्टिनेंट है। ठीक है, खेमे के बाहर चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैम्प जल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मंजर बता दिया गया है, अब देखते हैं इनकी बातें। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कर्नल कहते हैं जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। किससे कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट से। अब लेफ्टिनेंट उनका जवाब देते हुए क्या कहते हैं, हफ्तों हो गए यहाँ खेमे डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर आला आदमी है या भूत, ठीक है, हाथ ही नहीं लगता। यानी कि यहाँ जो खेमा डाला गया है वो किस लिए डाला गया है, वजीर आला को ढूँढने के लिए। ठीक है, अब ये कर्नल, लेफ्टिनेंट और इनके साथ तमाम सिपाही किसको ढूंढ रहे हैं, वजीर आला को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है कर्नल, इसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अब आपको पता है रॉबिन हुड भी एक अंग्रेज़ी एक किरदार है, है ना, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसके। अब यहाँ पे सिर्फ ये रॉबिन हुड का जिक्र यहीं आया है, यहाँ पे फिर वजीर आला की बात शुरू हुई है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसके दिल में किस कदर नफ़रत है, कोई 5 महीने हुकूमत की होगी मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी कि वजीर आला को सिर्फ और सिर्फ 5 महीने अवध पर हुकूमत करने के लिए मिले होंगे, उसमें उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों को बिल्कुल हटा दिया। अब आपको तो पता है कि यहाँ पे आपका 1700 से ही अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और हर तरफ अंग्रेज़ों की धीरे धीरे फैल रहे थे अंग्रेज़, है ना। तो अब यहाँ पे तो 1799 की बात हो रही है, यानी 99 साल हो चुके हैं अंग्रेज़ों को यहाँ आए हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग अलग लोग उठ रहे थे जो अंग्रेज़ों को मारना चाहते थे, अंग्रेज़ों को हटाना चाहते थे यहाँ से। ठीक है, पहले अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे हुकूमत की, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी हिस्ट्री में, फिर भी मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अंग्रेज़ों ने पहले धीरे धीरे हुकूमत की, लेकिन 1857 के बाद पूरी तरह से अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लेफ्टिनेंट ने कहा, क्या कहा लेफ्टिनेंट ने कर्नल कौजल से, ये सादत अली कौन है, है ना। तो अब कर्नल ने जवाब दिया, आसिफुद्दौला का भाई, ठीक है, और वज़ीर आला का चचा, यानी आसिफुद्दौला का भाई था और वज़ीर आला यानी जिसकी तलाश कर रहे हैं उसका चचा था और उसका दुश्मन, चचा भी था और उसका दुश्मन भी था। कहते हैं दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद ना थी, यानी आसिफुद्दौला जो थे उनके वहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद कोई लड़का होगा नहीं, तो वारिस कोई होगा नहीं, है ना। तो अब क्या है, ये बड़े भाई के बाद छोटा भाई बन जाएगा, यानी कि अब आपके कौन बन जाएंगे, चचा बन जाएंगे, है ना, सादत अली बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे ये आपके जो आपके वज़ीर आला हैं ये पैदा हो गए, इनकी ये हो गए, तो अब इनके लिखा है वज़ीर आला की पैदाइश को सादात अली ने अपनी मौत ख्याल किया, उसे लगा कि भैया अब ये पैदा हो गया, मेरी तो दाल गलने वाली है नहीं। ये देखिए इसको कहते हैं खेमा, है ना, ये जो टेंट होता है इसको कहते हैं खेमा। ये देखिए यहाँ पर दोनों आपके बात कर रहे हैं, बाहर ये सिपाही खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेफ्टिनेंट पूछ रहा है, अच्छा देखिए कर्नल को यहाँ पे सारी बातें मालूम है, कर्नल जो है वो हेड है। ठीक है, लेफ्टिनेंट उसके नीचे काम करने वाला है, इसलिए लेफ्टिनेंट को सारे किस्से जो भी हैं वो सब मालूम नहीं है, तो कर्नल जो है लेफ्टिनेंट को सारे किस्से बता रहा है। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट पूछता है, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने में क्या मसलहत थी, यानी कि क्या परेशानी थी, अगर बैठा देते तो क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो कर्नल ने जवाब दिया, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, यानी हमारा दोस्त भी है और ऐश पसंद भी है, यानी वो अंग्रेज़ों के साथ है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है।
उसने हमें अपनी आधी मिलकत दे दी, यानी कि जो भी उसकी मिल्कियत थी, जो भी उसका तख्त था, उससे आधा दे दिया और 10 लाख रुपए नगद दिए। ठीक है, अब वो भी मज़े करता है और हम भी, ठीक है, यानी दोनों लोग मज़े में हैं। अब लेफ्टिनेंट कहते हैं, सुना है ये वज़ीर आला अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है, यानी उनसे कह रहा है कि भाई आप आओ और यहाँ पे आके हम हमला करो, हमारे साथ मिलकर और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, ठीक है, फिर वज़ीर आला ने भी, उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी, ठीक है। अब बोलते हैं ये शमसुद्दौला कौन है, ठीक है, किसने कहा? लेफ्टिनेंट ने कहा। फिर कर्नल ने जवाब दिया, नवाब बंगाल का, जो नवाब बंगाल है उनका निस्बती भाई है, बहुत ख़तरनाक आदमी है, ठीक है। अब लेफ्टिनेंट ने क्या जवाब दिया, इसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है ना। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ यहाँ आए थे तिजारत करने के लिए, बाद में इसी कंपनी के सहारे वो यहाँ पे हाकिम बन के बैठ गए थे, है ना। अब कर्नल क्या जवाब देता है, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। मतलब ये कि बक्सर के और प्लासी के जो कारनामे हैं वो फीके पड़ जाएंगे, इससे ज़्यादा कारनामे हो जाएंगे, है ना। और कंपनी जो साख लॉर्ड क्लियोल के हाथों हासिल कर चुकी है, यानी जो चीज़ें कंपनी ने हासिल कर ली हैं वो सब लॉर्ड बिजली के हाथों सब खो बैठेंगे, यानी कि अब जो चीज़ें कंपनी ने हासिल कर ली थी वो लॉर्ड बिजली, यानी पहले ये रहे होंगी, अब उसके बाद लॉर्ड बिजली आए, तो कहते हैं वो क्या करेंगे, वो सब खो बैठेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। अब लेफ्टिनेंट ने कहा, वज़ीर आला की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ़्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल ने जवाब दिया, पूरी एक फ़ौज के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, यानी कि पूरी एक फ़ौज लिए हुए उसका पीछा कर रहा हूँ, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल डाले इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता है, इसके साथ चंद जाबाज़ हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। तो अब देखिए, उसने कर्नल ने बताया कि भाई मैं पूरी फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आता, हमेशा इन जंगलों में फिरता रहता है, और ज़रा सी फ़ौज है उसकी, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर इतनी हिम्मत है। अब लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है वज़ीर आला ज़ाती तौर पर बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहते हैं, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। अब देखिए, अब यहाँ एक नया किस्सा शुरू हुआ, यानी वज़ीर आला ने कंपनी के वकील को कत्ल भी किया है। तो अब लेफ्टिनेंट बताते हैं, लेफ्टिनेंट पूछते हैं, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो कर्नल जवाब देते हैं, किस्सा ये हुआ था, वज़ीर आला को माजूल करने के बाद, यानी तख्त पर से हटाने के बाद, हमने उसे बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। तो अंग्रेज़ों की यही पॉलिसी थी, जो राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, उन्हें हटा देते थे और उसके बाद उनसे कहते थे कि आपको हम सालाना वजीफ़ा देंगे और आप अपने वजीफ़े में खुश रहें। तो देखिए, उन्हें कितने रुपये? 3 लाख रुपये मिलते थे इस्कॉलरशिप एक तरह से, ठीक है, बल्कि पेंशन कहिए, ठीक है, स्कॉलरशिप तो पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है, इनको पेंशन मिलती थी सालाना, यानी साल पे 3 लाख रुपए साल मिलते थे इन्हें, ठीक है। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, यानी पहले उसे वहाँ से हटा दिया, फिर दोबारा कलकत्ता बुलाया। तो वज़ीर आला कंपनी के वकील के पास गया, जो बनारस में रहता था, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, जबकि वहाँ से उन्हें बनारस भेज दिया गया, तो वो क्यों जाए, है ना। वकील ने शिकायत की परवाना की, वकील ने कहा, अरे जाओ तुम ऐसे ही हो, है ना, यानी उसको अनदेखा कर दिया, उल्टा उसे ही बुरा भला सुना दिया, ठीक है। वज़ीर आला के दिल में यूँ भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी, है ना, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे अंग्रेज़ों से। उसने क्या काम करा, खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, ठीक है। लेफ्टिनेंट और भाग गया, लेफ्टिनेंट ने कहा, इसका मतलब मार के भाग गया। तो कर्नल ने कहा, अपने जानिसारों समेत आज़मगढ़ की तरफ भाग गया, यानी जानिसार यानी जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ जानिसार करने को तैयार रहते थे, है ना, उनके साथ कहाँ भाग गया, आज़मगढ़ भाग गया। तो लिखते हैं, आज़मगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया, ठीक है। अब ये कारवां जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। अब लेफ्टिनेंट कहता है, मगर वज़ीर आला की स्कीम क्या है, है ना। तो बोलते हैं,
कर्नल स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। यानी अब वज़ीर आला क्या चाहते हैं, तो बताते हैं कि वज़ीर आला चाहता ये है कि वो किसी सूरत से नेपाल पहुंच जाए, ठीक है, अफगानी हमले का इंतज़ार करें नेपाल पहुंचकर, ठीक, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को माजूर करके यानी कि जो अब उनके चचा जो बने बैठे हैं उनको वहाँ से हटा दे, खुद अवध पर कब्ज़ा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे, ठीक है। ये उसका प्लान है। क्या प्लान है कि स्कीम ये है, स्कीम मतलब प्लान, उसका प्लान ये है कि वो पहले नेपाल पहुंच जाए, नेपाल पहुंचने के बाद अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, जब अफ़गानी लोग यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग हमला कर दें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो वो क्या करे, अपनी ताकत को बढ़ा के सादत अली जो उसके चचा है उनको वहाँ से हटा के ख़ुद अवध पर कब्ज़ा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। अब लेफ्टिनेंट कहते हैं नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया होगा। यानी कि अब बताते हैं, लेफ्टिनेंट कहते हैं कि भाई नेपाल पहुंचना तो कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, मुझे तो उम्मीद लग रही है कि वो पहुंच भी गया होगा। कर्नल, हमारी फ़ौजी और नवाब सादत अली ख़ान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। यानी उन्होंने कहा कि अभी तक वो बॉर्डर पार नहीं करा है, अभी वो नेपाल नहीं पहुँचा है, ठीक है। अब क्या होता है, एक गोरा सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है। गोरा सिपाही क्या बोलता है, सर। कर्नल बोलते हैं, कर्नल क्या कहते हैं, उठकर, क्या बात है। गोरा सिपाही बोलता है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है ना, गर्द माने धूल मिट्टी। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें, कि मतलब कौन आ रहा है, ज़रा तैयार हो जाओ, ठीक है। सिपाही सलाम करके चला जाता है, ये उसूल होता है जब कोई बड़े आदमी के पास जाते हैं तो उन्हें सलाम करके जाते हैं। जैसा आप लोग अगर अर्तुरुल गाज़ी वगैरह देख रहे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें, है ना, ये सब एक मैनर्स के तहत होता है। लेफ्टिनेंट कहता है, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। अब लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देख रहा है, क्यों, क्योंकि सिपाही तो कर्नल से बात कर रहे हैं। गद तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो ऐसे ही सवार दिखाई दे रहा है, यानी कि मुझे सिर्फ एक ही सवार दिखाई दे रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे मान लो बहुत सारे लोग दौड़े चले आ रहे हैं घोड़ों पर बैठकर, है ना। अब कर्नल भी आ जाते हैं, कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है ना, सरपट घोड़ा दौड़ाए चले आ रहा है। तो अब लेफ्टिनेंट कहते हैं, और सीधा हमारी तरफ ही आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो उस पर, उस सवार पर नज़र रखें और ये किस तरफ जा रहा है ये भी देखें, है ना। सिपाही सलाम करके फिर से चला जाता है, ठीक है। हुक्म दिया उन्होंने कि ये भाई जो ये सवार दौड़ा चला आ रहा है इसके ऊपर ज़रा नज़र रखें और देखें ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेफ्टिनेंट, अब लेफ्टिनेंट कहता है, शोभा की कोई गुंजाइश नहीं है। शोभा माने शक, है ना, शक, शोभा की कोई गुंजाइश नहीं है, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है, ठीक है। टापू की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है, ये घोड़े के जो पैर होते हैं ना, कट 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 चलने की जो आवाज़ होती है उसकी आवाज़ आके रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है ना, क्योंकि कर्नल सबसे ज़्यादा हेड होता है। गोरा सिपाही चिल्लाकर, बहुत अच्छा। सवार क्या बोलता है, भाई आहिस्ता बोलो। तो गोरा बोलता है, गोरा सिपाही अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल भेज दो, ठीक है, यानी खेमे में अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट बोलता है, वज़ीर आला का ही कोई आदमी होगा हमसे मिलकर उसे गिरफ़्तार करवाना चाहता होगा। यानी कि हो सकता है वज़ीर आला का ही कोई आदमी हो जो हमसे मिलकर उसे गिरफ़्तार कराना चाहता हो, क्योंकि पहले ज़माने में इस तरह की गद्दारी बहुत हुआ करती थी, है ना, वो पैसे ले लेते थे और अंग्रेज़ों से मिल जाया करते थे। तो कर्नल खामोश कहता है, सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही क्या करता है, पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, यानी मुझे अकेला रहना है, अकेले बात करने। कर्नल, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें, यानी कि यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपके राज़े दिल को इधर उधर करेगा, आप कह सकते हैं। सवार कहता है, दीवार हम गोश दारद तन्हाई, यानी कि ये फारसी का जुमला है कि दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। तो कर्नल क्या बोलता है, कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद सवार चारों तरफ देखकर कहता है, सवार आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है। कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है और वज़ीर आला को गिरफ़्तार किया जाए, ठीक है, कि भाई कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर आला को गिरफ़्तार किया जाए, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर खेमा डाला है। सवार, लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या मानी, यानी कि इतने ज़्यादा लोग क्यों लाए हैं, इतना लश्कर क्यों है आपके साथ, है ना, आप तो दो चार लोग भी उसे गिरफ़्तार कर सकते हैं। कर्नल,
गिरफ्तारी में मदद देने के लिए इतना लश्कर बुलाया गया है। सवार बोलता है, वजीर आला की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार कहता है, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? यानी कि कर्नल क्या कहा, हाँ मैंने भी ये बात सुन रखी है कि भाई वो बहुत जाबाज है, अब आप ये बताइए आप क्या चाहते हैं। ये देखिए, ये कर्नल है, ये आपका सवार है, ठीक है, और ये देखिए वो इसे कारतूस दे रहे हैं। सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर आला को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, वाह ये लो 10 कारतूस। ये देखिए 10 कारतूस दे दिए। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? ठीक है, यानी अब उसने क्या पूछा, आपका नाम बताइए ज़रा, आपका नाम क्या है? सवार, वजीर आला। देखा, अब ये सवार कौन था? वजीर आला था। आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए आपकी जान बख्शिश, आपकी जान बख्श करता हूँ। यानी कि अब क्या कर दिया, आपकी जान बख्श दी। ठीक है, ये कहकर बाहर निकल जाता है। टापुओं का शोर सुनाई देता है। कर्नल सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा रहता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल, दबी आवाज, दबी जबान में क्या बोलता है, अपने आप से, एक जाबाज सिपाही। और पर्दा गिर जाता है और ड्रामा ख़त्म हो जाता है। हबीब तनवीर का था ये ड्रामा। आई बात समझ में? जिसको ये पकड़ रहे थे, जिसके लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा खेमा लश्कर सब लगा रखा था, वही आके इनके खेमे में इनसे कारतूस लेकर चला जाता है। तो ये था आपका ड्रामा। अब यहाँ रहा मश्क। मश्क में आपको देखिए, खेमा, खेमा मतलब क्या होता है, तंबू, टेंट जिसमें लोग रहते हैं। जाबाज कहते हैं बहादुर, जान पर खेलने वाला, है ना। मसलियत यानी कि क्या पॉलिसी थी, क्या हिकमत थी, क्यों बनाया उसे। यहाँ लिखा है साख, साख मतलब होता है जो भी आपका नेक नामी, जो भी एतबार आपने जीता है। माजूल यानी कि तख्त या गद्दी से हटा देना, है ना। दीवार हम गोशदारद यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा है मुमकलत यानी कि आपका हुकूमत, सल्तनत, है ना, राज दिल, दिल की बात। वक्फा, वक्फा कहते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। उसके बाद लाओ लश्कर, फ़ौज और उसका साज और सामान। अब देखिए, गौर कीजिए, मैं आपको दिया गया है, वतन से मोहब्बत करने वाले जाबाज तारीख में ज़िंदा रहते हैं और हमेशा उनकी कद्र की जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके वजीर आला थे, ये जाबाज थे। अब यहाँ देखिए सवाल जवाब दिए गए हैं, तो इसमें कुल आपके 4 सवाल हैं। फिर नीचे जुमलों का इस्तेमाल करना है, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जमा के वाहिद और वाहिद के जमा आपको लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको खाली जगह दी गई हो और इल्मी काम दिया गया है। इसको हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए, इसमें आपको पहला सवाल दिया गया है कि वजीर आला के कारनामे सुनकर किस के कारनामे याद आ जाते हैं, तो आप लिख देंगे रॉबिन हुड के। ठीक है, इसका लिखा है सादत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बैठाया, तो आप बता सकते हैं कि भाई सादत अली जो था वो आसिफुद्दौला का भाई था और सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त था, इसीलिए उन्होंने सादत अली को अवध के तख्त पर बैठा दिया। ठीक है, वो ऐश पसंद बादशाह था और उसने क्या काम करा, जो भी अपनी मिल्कियत थी, जो भी उनकी जिसके भी वो बादशाह थे, उन्होंने आधी अंग्रेज़ों को दे दी और कुछ 10 लाख रुपये भी दे दिए। सादत अली कैसा आदमी था, तो यहाँ लिखा है सादत अली एक ऐश परस्त आदमी था और नकारा आदमी था। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था, तो आप लिख सकते हैं कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार जो है वो वजीर आला था। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें, तख्त, खिलाफ, है ना, पाक, बहादुर, जाबाज, वजीफ़ा और स्कीम। तो इसे आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसमें मतलब क्या होता है कि भाई ये लफ्ज़ आने चाहिए। अब यहाँ देखिए लिखा है जमा के वाहिद और वाहिद के जमा बनाना, शिकायत का क्या हो जाएगा शिकायत, अफवाज का क्या हो जाएगा फौज, सलातीन का क्या हो जाएगा सुल्तान। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जंगल का क्या हो जाएगा जंगलात, वजीफ़ा का क्या हो जाएगा वज़ाइफ। ठीक है, इसके बाद वज़ीर का क्या हो जाएगा वज़रा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए जो जुमले हैं उनके सही लफ्ज़ों को खाली जगह में भरना है। तो देखिए पहला यहाँ लिखा है, इसमें आ जाएगा हमले, हमले या लड़ाई में से क्या आ जाएगा हमले। इसी तरह से दूसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है नफ़रत, बुराई, मोहब्बत, तो यहाँ क्या आ जाएगा नफ़रत। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है माजूली, जा बख्शी और गिरफ्तारी, तो यहाँ क्या आ जाएगा गिरफ्तारी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ इल्मी काम में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग देख के कर लेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करती हूँ। आप वीडियो को पाउज करके इसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा 11th और 12th की भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें,
ताकि एग्ज़ाम टाइम पे उन लोग को भी हेल्प मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।